हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश के पहला चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैं आज आप लोगों को कवर कराऊंगा। और दोस्तों आज और यही चैप्टर के जो है अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो मैं लेकर आऊँगा जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है। दोस्तों अगर इस तरह से अगर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम हर दिन जो है चैप्टर वाइज इंग्लिश के पूरे ऑल बुक को मैं 100 नंबर और 50 नंबर के दोनों के जो है मैं पढ़ाऊँगा पूरे बुक को। और मैं एक दिन में दो वीडियो अपलोड होंगे, जैसे शाम को होगी और एक 6 बजे सुबह को होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर अच्छा नहीं लगे, अगर आपको चाहिए कि हिस्ट्री का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए या फिर कोई चाहिए, तो मुझे कमेंट करिए कि सर इसका चाहिए, मैं उसका बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरे चैनल में पहले से बनाया हुआ है तो मैं लिंक भेजने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, जो आप लोग देख सके, क्योंकि इस चैनल में चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाई होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला चैप्टर नंबर देख पा रहे होंगे, आवर ऑन सिविलाइजेशन। तो हमारा सभ्यता पहला चैप्टर है जो CM ज्वाइड ने, इसके राइटर है। तो पहला क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या है, आवर ऑन सिविलाइजेशन इज रिटन बाई, यानी सिविलाइजेशन जो है सभ्यता, हमारा सभ्यता किसने लिखा है हमारे बुक के, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी CEM ज्वाइड ये राइटर थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेकेंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर ऑन सिविलाइजेशन इज पेंडेड बाई, तो आवर हमारा सभ्यता के कारण कौन है, यानी किसने लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्या है, ए नंबर, CEM ज्वाइड। आप दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, लाइक कीजिएगा तो मैं और भी जो है अच्छा डिटेल से आपको बिल्कुल पूरे बुक का लेकर आऊँगा, और कॉन्फिडेंट होगा कि वीडियो शायद आप लोगों को अच्छा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, CEM ज्वाइड वॉज एन इनहेबिटेंट ऑफ, तो कहता है कि CEM ज्वाइड कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के निवासी थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी लंदन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके देख लेते हैं, तो आ चुकी है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्या है, मशीन्स हैव बिकम इविटेबल कैन एफ्रेड फ्रॉम देल लेसन, तो मशीन ऊर्जावान हो गई है जो पाठ से अनुमान लगा सकता है, आवन सिविलाइजेशन इसी में जो है अनुमान लगा सकते हैं, इसी में जो है राइटर CEM ज्वाइड ने इसी चैप्टर में लिखे हैं कि मशीन ऊर्जावान हो गई है। आप लोग क्या है कि मैन हैज़ इन्विटेड मशीन टू सेव, यानी आदमी के कौन सा चीज़ मशीन हम लोगों का बचाता है, तो क्या बचाता है, जैसे क्या है कि टाइम एंड एनर्जी, टाइम और जो है एनर्जी, यानी समय और हम लोग का जो शक्ति जो है ऊर्जा, वो हम लोग का, यानी कोई भी काम करने में मशीन हम लोग से ज़्यादा काम करता है, इसलिए जो है तो मशीन हम लोग का बचाव के लिए, यानी हम लोग का टाइम बचाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, अगर लाइक करिएगा तो मैं और भी कॉन्फिडेंट के हिसाब से जल्द जो है पूरे बुक को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा एग्ज़ाम से पहले, और सब्जेक्टिव भी कुछ आप लोगों में पढ़ा दूँगा। तो आज जो है ओनली बुक पर्सन से लेकर आए हैं, कल का जो वीडियो रहेगा तो उसमें जो है ग्रामर पर्सन रहेंगे, जो आपको आप नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, इन डिस्प्यूट्स बिटवीन मैन राइट हैज़ टेकन द प्लेस ऑफ, तो कहता है कि आदमी के बीच विवादों की जगह ले ली है, तो कौन आदमी के बीच जो विवाद होता था उसकी जगह कौन ले लिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी राइट आंसर माइट, ए डेवलपमेंट सिविलाइजेशन इंश्योर सेफ्टी एंड ऑर्डर टू इट सिविलाइजेशन बाई डिडंट ऑफ, तो कहता है इसमें कि एक विकसित सभ्यता की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित है, तो क्या कौन सा जो है सेफ्टी, यानी सुरक्षा के बिना जो है कौन सा सभ्यता नहीं चल सकता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी रूल ऑफ लॉ, यानी सुरक्षा के नियम जो है। अगर कोई अच्छा लगता है तो अभी भी लाइक करिए इस तरह के वीडियो पढ़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि कौन सा क्वेश्चन लेकर आएँ, क्या लेकर आएँ। तो
आज का वीडियो तो हम लोग बुक पर्सन से ले ही लेकर आए हैं, और कल का वीडियो आप लोगों को काफ़ी आनंद और मज़ा आने वाला है पढ़ने में, क्योंकि उसमें हम आपको यानी व्याकरण, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर पर्सन, उसको भी हम लेकर आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हायर एक्टिविस्ट ऑफ मैंकिन विच मेक अप सिविलाइजेशन कुड नॉट गो ऑन विदाउट। तो इसमें क्या कहता है कि मानव जाति की उच्च गतिविधियाँ जो सभ्यता बनती है उनके बिना नहीं चल सकती। तो क्या नहीं चल सकती, किसके बिना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी सेफ्टी के बिना कोई भी चीज़, यानी सुरक्षा के बिना कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। मानव आज सिर्फ मैं जो है चौथे चैप्टर का हम लोग कवर कर रहे हैं, तो जितने सारे चैप्टर होंगे वो सारे चैप्टर को कवर करूँगा, उसके बाद जो है ग्रामर पर्सन को हम लोग पढ़ेंगे और आसानी से एग्ज़ाम जो है 2020 में हम लोग दे सकते हैं। तो क्या है, गुड मैनर हेडिंग लाइन है, पहला क्वेश्चन क्या है, गुड मैनर बाई जेसी हिल हैज़ बीन एडोप्टेड फ्रॉम, कहता है कि जेसी हिल द्वारा अच्छे आदतें अनुकूलित क्यों किया गया, यानी क्यों लिखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर, एन इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप, यानी नागरिकता का परिचय के लिए बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, गुड मैनर्स इज पेंडेड बाई, यानी गुड मैनर जो है क्यों लिखा गया, किसके कारण और कौन लिखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी जेसी हिल ने लिखा था इसका, यह पूरे तरीके से देख पाएंगे आप लोग। तो क्या है कि जेसी हिल हैज़ रिटन, तो जेसी हिल क्या लिखा था जेसी हिल ने, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी गुड मैनर, यानी अच्छी आदतें लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते, तो आज द यंग मैन हैड नो कंसिडरेशन फॉर डैश अंट्राइल वी गॉट इल, यानी क्या है कि चौथा नंबर, जब हम लोग बीमार नहीं हुए तब तक युवक का कोई विचार नहीं आया था, कोई विचार नहीं आता है, तो क्या किसके लिए, यानी पॉपुलेशन के लिए विचार नहीं आता है। तो अब जो है पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, तो अब जो है अब आबादी का ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आ चुके पूरी तरीके से, क्या है, जेसी हिल वांट्स टू मेक लाइफ इजी फॉर एल्डर्स, यानी जेसी हिल जो है जीवन, बड़ी जीवन के लिए आसान बनाना चाहते थे, तो क्या किसके लिए आसान बनाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर क्या, यानी अडल्ट, यानी वयस्क आदमी के लिए बनाना चाहते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है, पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि इट्स इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक आवर सेल्फ, यानी जो अपने जिम्मेदारी समझ जाता है, यानी खुद का जिम्मेदारी, तो सबसे ज़्यादा वही समझदार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आ चुकी है, क्या, इट्स टेक टू स्पीक द ट्रूथ वन टू स्पीक एंड अनदर टू हेयर हैज़ बीन द स्टेटमेंट फ्रॉम, क्या कहता है इसमें कि यह सच बोलने के लिए दो, एक बोलने के लिए और दूसरे को सुनने के लिए, तो हैज से कथन क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी थ्योरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, क्या है कि थ्योरो वाज एन इनहेबिटेंट ऑफ, यानी थ्योरो कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी अमेरिका, सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, इट इज ओनली डैश पीपल हु टेक रिमार्क्स टू लाइट रैली, तो इसका क्या है कि क्या कहता है, तो लोग टिप्पणी को शाब्दिक रूप से लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर, यानी बेवकूफ, स्टूपिड, बेवकूफ लोग जो है इसको समझ लेते हैं, शाब्दिक रूप को टिप्पणी समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आज को पूरी तरीके से स्क्रीन पे देख पा रहे, गुड मैनर्स कम फ्रॉम हैविंग डैश विद अदर, तो अच्छी आदतों से क्या होता है, यानी सैम्पति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी सहानुभूति जो है बढ़ती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और अगला चैप्टर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।